हाय दोस्त, मैं रंकित बिजाड़ और रंकित बिजाड़ स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास बनने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए वीडियो लाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश में अपना परिचय देने में काफ़ी हेजिटेशन होती है। ठीक है, तो ये वीडियो देर ना करते हुए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, और इसमें ज़्यादा स्टेप भी नहीं है, सिर्फ 6 स्टेप है। उन स्टेप को आप सीख जाओ और आपको परिचय देने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो चलिए हम पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है ग्रीट, मतलब प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग। यदि आपसे अबाउट योर सेल्फ मॉर्निंग टाइम में पूछा जाए तो गुड मॉर्निंग से आप स्टार्ट करोगे। यदि आपको गुड आफ्टरनून टाइम में पूछा जाए तो आप गुड आफ्टरनून से स्टार्ट करोगे। यदि इवनिंग टाइम में पूछा जाए तो आप गुड इवनिंग से स्टार्ट करोगे। ओके, नोट में आपको जो दिया गया है, हाय और हेलो से बिल्कुल हमें अबाउट योर सेल्फ की वाक्य को स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। दूसरा स्टेप में आपको मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलने के बाद यहाँ पे आपको नाम का परिचय देना है, जो कि इस प्रकार है। आप अपना नाम रख सकते हो, जैसे दिस इज रंकित बिजाड़स, आई एम रंकित बिजाड़स, माय नेम इज रंकित बिजाड़स। आप माई सेल्फ का प्रयोग बिल्कुल ना करेंगे इस वाक्य में, क्योंकि माई सेल्फ का प्रयोग करना बेहद ही गलती माना जाता है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद स्टेप थ्री में आप अपना नाम बताने के बाद स्टेप थ्री में पहुंचते हैं। इस जगह पे आपको जगह का नाम बताना होता है जहां से आप बिलोंग करते हो। जैसे आप बिलोंग करते हो पटना से, दिल्ली से, तो आपको बताना होगा आई बिलोंग्स टू दिल्ली, पटना, जहां से भी हो आई बिलोंग्स टू दिल्ली इटसेल्फ। ऐसे भी आप अपना जगह को बता सकते हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, पटना, कुछ भी बता सकते हो। ये जो आपको इट सेल्फ दिख रहा है, ये सेम स्टेट के लिए इट सेल्फ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्टेप चार में क्वालिफिकेशन को दर्शाया जाता है। स्टेप चार में जैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने तक पढ़े हो, उस चीज़ को ये क्वालिफिकेशन के अनुसार दर्शाया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम एम टेक PhD, ये सारी चीज़ को बोल सकते हो। आई एम परस्यूजिंग ग्रेजुएशन, आई एम इन एम कॉम्स 2 NDS यानी सेकेंड ईयर्स, ये भी बोल सकते हो आप। ओके, और ये चौथा स्टेप था। अब चलते हैं पांचवा स्टेप में आपको फैमिली के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली में कौन कौन है, इन सारी चीज़ों को बताना होता है। तो पहले चलते हैं, आप पहले फर्स्ट में आप बोलोगे अपने पेरेंट्स के बारे में, इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। ठीक है, इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। उसके बाद आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंग सिस्टर, यानी इसमें मैंने बस ऐसे बताया है कि एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंग सिस्टर, यानी आप मैंने सिर्फ ऐसे ही लेकर बताया, आपके जितने भाई और बहन होंगे आप बता सकते हैं। और इसमें आप ये भी अपने दादा, जो दादी हैं, उनको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, छठा स्टेप आ जाता है आपकी हॉबीज़ की, कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो ज़्यादातर लोग ही बोलते हैं यही हॉबीज़, आई लिसनिंग म्यूजिक्स एंड रीडिंग बुक। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आपको हॉबीज़ के रूप में बताना है, और शायद आपकी हॉबी कुछ और भी, तो आप उसमें बोल सकते हो, ठीक, प्लेइंग क्रिकेट वगैरह वगैरह इटी से। ओके, और लास्ट सेंटेंस आपको ये चीज़ बोल के अंत करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये चीज़ बोल के आपको सेंटेंस को समाप्त कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, इसको देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक यानी प्रॉफिटेबल होगी।